सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जस्ट इमेजिन, स्पॉन्सर्ड बाय मुकेश क्लासेस। मैं क्लास सिक्स से लेकर के क्लास टेन तक के मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी के वीडियो अपलोड करूंगा। क्लास इलेवन एंड ट्वेल्व का भी होगा, बट वो सिर्फ मैथ्स का होगा। आप सोच रहे होंगे मैथ्स का इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा मैथ्स से ही स्ट्रांग है। एक समय था जब मेरा भी मैथ्स कमज़ोर हुआ करता था, ऐसा मुझे लगता था। फिर मैंने एक कोचिंग खोला, मुकेश क्लासेस। आज मेरा स्ट्रांग हो गया है, बच्चों का कमज़ोर हो गया, ऐसा उन्हें लगता है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एजुकेशन पावर और इसके फ़ायदे, जैसे अपोजिट वर्ड के फ़ायदे क्या हैं। मान लीजिए आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, सड़क पर ही चलाएंगे, और आपने किसी को ठोक दिया या किसी ने आपको ठोक दिया, तो आप गुस्से में आकर के उसे साले ना बोले, उसका अपोजिट वर्ड बोले, जीजा। तो यकीन मानिए वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं आपको कूटने के लिए, वो आपको बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाएगी, और जिस आदमी को आपने ठोका है वो आपको वहाँ से चाय पिला कर भेजेगा। तो ये है एजुकेशन का पावर। दोस्तों अगर आप एजुकेशन लेते हो तो आपका एक एम होना चाहिए। जैसे मैंने भी एक दिन क्लास में बच्चों से पूछा था कि किसे क्या बनना है, तो सबका अजीबोगरीब एम था। मैं आपको एक एक बताता हूँ। पहले बच्चे को मैंने खड़ा करवाया, उससे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो पहले सोचा, यानी उसने भी कुछ सोचा नहीं था। फिर वो हाथ में पेन उठाया, मल्टीप्लाई किया, अभी 40 बच्चे हैं, 5 बैच 200 बच्चा गुना 500 1,00,000 रुपया, सर मुझे टीचर बनना है। मैंने कहा टीचर बनना है, चलो फ्यूचर का स्पेलिंग बताओ। फिर वो सोचा, यानी उसे फ्यूचर का भी स्पेलिंग नहीं आता था। तो उसने पूछने लगा, सर किसका फ्यूचर? मैंने कहा भाई हम सबका फ्यूचर। तो बोला, सर मैं सबका फ्यूचर कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो टीचर बनना है, ज्योतिषी थोड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना फ्यूचर का स्पेलिंग बताओ। वो फिर सोचा, यानी उसे टीचर का भी स्पेलिंग नहीं आता था। फिर वो बोला, सर DR। मैंने कहा ये तो डॉक्टर है, टीचर का स्पेलिंग बताओ। तो कहा, सर अभी मैं कौन सा नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा, टीचर ही बन जाऊँगा। दूसरे बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, वो बच्चा बड़ा सियाना था, वो फटाक से खड़ा हुआ और बोलने लगा, सर मुझे यूट्यूबर बनना है, मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगा ताकि मुझे फॉरेन के लोग भी देख सकें। मैं शॉक हो गया। जिस बच्चे को इंग्लिश में जितने लेटर्स होते हैं वहाँ तक काउंटिंग नहीं आता है, और वैसा बच्चा बोलता है कि इंग्लिश में वीडियो बनाएगा। मैंने पूछा क्या आता है इंग्लिश में तुम्हें, कुछ बताओ मुझे। बोलता है, सर मुझे इंग्लिश में 3 वर्ड आते हैं। मुझे लगा ये कुछ अनाप शनाप बोलेगा, लेकिन ये कुछ नया था। इसने कहा, सर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सर मेरा इंग्लिश तो कमज़ोर है, लेकिन मुझे फ्रेंच पूरा आता है, मैंने वीडियो देख देख करके सीखा है। मैंने पूछा क्या सीखा है तुमने, ये फ्रेंच का पूरा बताओ। बोलता, सर फ्रेंच किस। तो इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिलते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि पहले के बच्चे जो थे वो माँ बाप की देख रेख में बड़े होते थे, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो यूट्यूब के देख रेख में बड़े होते हैं। उन पर असर भी वैसे ही आता है। अभी के बच्चे 2-4 मोटिवेशनल वीडियो अगर यूट्यूब पर देख लें तो वो डायरेक्ट एकदम जोश में आकर के बोलते हैं, सर मैं UPSC क्लियर करूँगा और ईमानदार IAS ऑफिसर बनूँगा, ये बहुत ही आसान है। और ऐसे ही बच्चों का जब 2 महीनों के बाद ख़त्म हो जाता है नेट, इनके दिमाग का खुल जाता है गेट, हेलमेट को बना लेते हैं ब्रेसलेट, और बाइक ऐसे चलाएंगे जैसे कोई पायलट चलाता हो फाइटर जेट। और ऐसे बच्चे बोलते हैं मुझे ईमानदार IAS ऑफिसर बनना है। क्या आप भी अपने एम को सोच लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे लाइफ से एक गहरा रिलेशन रखता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग छोटे थे तो हमारा काउंटिंग जो स्टार्ट होता था वो 1 से। ये हमारी लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है, जब हमारे हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमारा हाथ कभी कभी खाली भी रहता है, मीन्स 0 हो जाता है। तो जब हमारा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। हम लोग जब और बड़े हुए तो हमें पता चला हमें सिर्फ मिलता ही नहीं है बल्कि मांगना भी पड़ता है, -1, -2, -3, मिल गया तो कॉम्प्लीमेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। हम लोग और बड़े हुए तो हमें बांटना सिखाया गया, जैसे 5/4, 7/2, 4/5। जब हम लोग बांटना सीखे लाइफ के इस स्टेज को बोला जाता है रैशनल नंबर। इसके बाद हम लोग और बड़े हुए तो हमारे सर पे आ जाता है एक बोझ, जैसे √25, √5। जो कोई भी इस बोझ से निकल जाता है, जैसे √5 का वैल्यू 5, तो इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जो कोई भी इस बोझ से नहीं निकल पाया, जैसे √5 का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसे कहा जाता है इरैशनल नंबर, जो इस बोझ से नहीं निकल पाया।
फ्रेंड्स, लाइफ का कंडीशन उस समय ख़राब हो जाता है जब हम पर बोझ आया हुआ हो और उस पर भी हमें किसी से मांगना पड़ जाए, जैसे रूट अंडर माइनस में आ जाए, तो उस समय हमारा लाइफ क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग रूट अंडर नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नेचुरल नंबर से लेकर इरेशनल नंबर जो है वो हमारा रियल नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है इमेजिनरी नंबर। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज देखिएगा, आई इक्वल टू होता है रूट अंडर माइनस वन, आई मीन्स होता है आयोटा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन टू हो गया ये। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या होता है, आई स्क्वायर का स्क्वायर आई टू द पावर फोर, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो देगा हमें, प्लस वन देगा, मीन्स आई के पावर में फोर तो उसका वैल्यू वन होता है। अगर हम क्या कर दें, इक्वेशन टू पे आई से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई माइनस वन इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको ये चार वैल्यू को याद रखना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये वैल्यू याद रखने से आपसे ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई के पावर में फोर तो इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो अगर आई के पावर में एट आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो भी वन होगा। क्यों, क्योंकि i के पावर में 4, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i के पावर में 4 उसके पावर में 2, क्योंकि पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें 1 आंसर देगा। अगर i के पावर में 24 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे i के पावर में 4, क्योंकि हमें उसका वैल्यू पता है, और 1 के पावर में कुछ भी आ जाए उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो i के पावर में 4 लाना है 24, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, 6, तो क्या हो जाएगा, 4 6 24, यानी इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1। उस समय क्या होगा, जब i का पावर में 4 से डिविजिबल नंबर ना आए, जैसे 27, तो हम लोग क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, i के पावर में कुछ भी आ जाए हम लोग इसे डिवाइड देंगे 4 से ही, जैसे 27 को हम लोग डिवाइड करवाते हैं 4 से, 4 6 24, रिमाइंडर आ गया 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले i के पावर में 4, उसके होल पावर में जो भी यहाँ पर क्वेश्चेंट आता है उसे लिख देते हैं, यानी 4 6 24 हो चुका है अभी, और ये जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर लिख देंगे i के पावर में 3। तो इसका वैल्यू तो हमें पता है, i के पावर में 4 तो 1, 1 के पावर में 6 तो 1 ही होगा, जैसे 1 into 1 1 into 1 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 into, i क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस आई, दैट मीन्स माइनस आई आंसर। कुछ भी हो जाए, जैसे i के पावर में 192 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 192 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 4 16, 2 4 8 32, चलिए यहाँ पे 3 डाल देते हैं, कुछ रिमाइंडर आ जाना चाहिए, 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा, i के पावर में 4, उसके होल पावर में क्या जाएगा, 48 इंटू, रिमाइंडर क्या बच गया है, 1, मीन्स i के पावर में क्या लिखना होगा, सिर्फ 1 लिखना होगा, या सिर्फ i भी लिखकर छोड़ सकते हैं। i के पावर में 4 तो उसका वैल्यू 1, उसके पावर में 48 तो भी क्या आने वाला है, 1 इंटू आई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, i। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आर्यस अग्रवाल बुक को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है i टू द पावर 19, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, i के पावर में 4, इसके पावर में 4, 4 4 16 होता है, तो क्या बचेगा, i के पावर में 3 बचेगा, इसका वैल्यू 1 इंटू i टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस i, यानी कि इसका आंसर होगा माइनस i, i टू द पावर 62, यानी i के पावर में 4, इसको 4 से हम लोग डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा, 4 1 4, 4 5 20 इंटू आई टू द पावर 2, ये आ गया। इसका वैल्यू हमें पता है क्या होगा, 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, यानी कि आंसर होगा माइनस 1।
इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आई के पावर में 4, इसे डिवाइड करवाएंगे 4 9 36, 4 3 12 इंटू आई, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1 इंटू आई, यानी कि आई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए रूट अंडर माइनस 1, शुरुआत में मैंने कहा था कि रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है, तो आई के पावर में 192, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसे लिख सकते हैं आई के पावर में 93, और किसी एक को मैं सॉल्व कर दे रहा, बाकी वो आप कर सकते हो। जैसे आई के पावर में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8, 1 इस पर चला गया, 4 3 12 इंटू आई, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू आई, आंसर हो जाएगा मेरा आई। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब आई के पावर में माइनस में नंबर दे दे तो हम इसे क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे मैं इसे लेता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by i to the power 9, हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर पावर में माइनस होता है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो 1 by i to the power 9। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी आई आपको डिवाइड में देखे डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो आई इंटू 1 क्या हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई आई टू दी पावर 10। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, आई डिवाइडेड बाई आई टू दी पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I के पावर में 4 इंटू 2, 4 2 8, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बचेगा ऊपर में I डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 1 इंटू -1 -1, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं -I। उसी तरह से इसे देख लीजिए, I टू दी पावर -131 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 by i to the power 131, और फिर से जैसे सॉल्व करते वैसे ही करेंगे, आई डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या करना होगा, इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होगा, यानी आई डिवाइडेड बाय आई टू द पावर, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि आई टू द पावर 132 हो जाएगा, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आई डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड, 4 3 12, 1 उस पर चला गया, 4 3 12, ये तो पूरा ही कट गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड और ऊपर में आई, तो इसका आंसर हो गया हमारा आई। इसे आप सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स खुद से। उसके बाद देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, ये तो बहुत ही आसान है, इसे हम क्या लिख सकते हैं आई के पावर में 4, 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 1 4, 1 उस पर चला गया 13, 4 3 12 इंटू आई, 13 4 52 और आई के पावर में 1 यानी 53, ये चीज़ आ गया। प्लस अभी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जब भी I डिनोमिनेटर में दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, I से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, यानी 1 by i to the power 53 को क्या करना होगा, I से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 इंटू आई, तो I हो जाने वाला है, प्लस I को 1 से मल्टीप्लाई, I डिवाइडेड बाई आई टू दी पावर 53, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा आई टू दी पावर 54, इसे हम क्या लिख सकते हैं आई प्लस आई बाय 54 को क्या लिखेंगे 4 से डिवाइड, 4 1 4, 1 उस पर चला गया, 4 3 12 इंटू आई स्क्वायर, 13 4 52 और आई स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, यानी इसे हम क्या लिखेंगे आई माइनस आई, नहीं दिख रहा होगा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसे, यहाँ पर क्या था हमारे पास आई है प्लस यहाँ पर आई और नीचे इसका वैल्यू क्या आ गया -1, तो आई माइनस आई कट के क्या हो जाएगा ये 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। उसी तरह से आप इसको देखिए आई टू दी पावर 41 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आई के पावर में 4, उसके पावर में 10 इंटू आई, 4 10 40 और 1 यहाँ पर रह गया, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 by i to the power 71, फ्रेंड्स यहाँ पर i डिनोमिनेटर में तो हमें यहाँ पर i से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होगा, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 into i means i plus i divided by i to the power 72, यानी कि i plus i divided by i to the power 72 को क्या लिखेंगे i to the power 4, 4 1 4, 4 8 12 32 हो गया, तो नीचे दिख नहीं रहा होगा मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, फिर ये हो गया i प्लस i डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू हो गया 1, तो नीचे 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात पड़ता है, तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2i, और इसका आंसर क्या आ गया था 0।
नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या है, हम लोग लिख लेंगे LHS इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 प्लस आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1, आई टू द पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, आई के पावर में 4 इंटू आई के पावर में 2। अगर आप 6 को 4 से डिवाइड भी करवाओगे तो वही आएगा, 4 वन सा 4 2 आ गया, तो वही लिखते हैं आई के पावर में, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है 4 दे करके वो लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसे लिख दिया जाता है। तो इसे हम लोग ऐसा लिख दिए, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, i टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 और i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर 0। इसे देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, 6 i के पावर में 50, तो 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 वन ज़ा 4, 1 इस पे चला गया तो 10 हो गया, 4 टू ज़ा 8 तो 2 बचेगा, प्लस 5 इंटू i के पावर में 4, 4 एट ज़ा 32 i बचेगा, माइनस 2 i के पावर में 4, 4 थ्री ज़ार 12 इंटू आई के पावर में 3 बचेगा, प्लस 6 i टू दी पावर 48 है तो 4 उसके पावर में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ध्यान से, 6 इंटू आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, प्लस 5 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू आई, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सिंपली i, माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस i, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस i, प्लस 6 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख देंगे हम लोग। 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 6 प्लस 5 इंटू आई, 5i, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पर क्या है प्लस 6, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, 5y 2y क्या हो जाएगा 7i इक्वल टू RHS, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे की वीडियो को देखते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया 1/i, i डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या करना होगा, i को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है, 1/i मल्टीप्लाई बाई आई बाई आई माइनस 1/i स्क्वायर, तो इसको भी क्या करना होगा, i से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होगा, प्लस 1/i क्यूब, इसे भी क्या करना होगा, i से मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस 1/i टू दी पावर 4, इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए i इंटू 1 क्या होगा, i डिवाइडेड बाई i इंटू आई क्या हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस i इंटू 1i डिवाइडेड बाई i स्क्वायर इंटू i क्या होगा, i क्यूब हो जाएगा, प्लस i डिवाइडेड बाई i के पावर में 3 हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मीन्स i टू दी पावर 4 माइनस i टू दी पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1/1 क्या होगा, सिर्फ 1 ही रहने वाला है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया माइनस i, माइनस i क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस i होता है, तो इसमें लिख देते हैं माइनस i, प्लस इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो i बाय 1 सिंपल सा क्या लिखेंगे हम लोग, i माइनस 1 माइनस i, i i कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस i माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस i माइनस y कैंसिल, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ये दिखाना है कि ये एक रियल नंबर है। तो चलिए रियल नंबर में पता है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, शुरुआत में मैं बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहले 1 प्लस आई के पावर में 10 है, तो हम क्या करते हैं 10 को पहले 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 टू ज़ा 8 रिमाइंडर आ गया 2, यानी आई के पावर में 4 जो क्वेश्चन आता है उसे लिखते हैं, इंटू जो रिमाइंडर बचता है वो आई के पावर में चला जाता है, प्लस आई टू दी पावर 20 है तो आई के पावर में 4, 20 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 5, रिमाइंडर तो कुछ आएगा नहीं, लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, प्लस i टू दी पावर 30 को क्या लिखेंगे 4 के पावर में 7, 4 7 से 28 तो i स्क्वायर बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, प्लस इसका वैल्यू क्या हो गया 1, प्लस इसका वैल्यू 1, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 1। तो देखिए ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0, और शुरुआत में मैं बता चुका हूँ कि 0 भी क्या है रियल नंबर है। नेक्स्ट क्या है,
आई टू दी पावर 21, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई के पावर में 4, 4 5 20 इनटू आई के पावर में 1, माइनस 1 बाय आई टू दी पावर 46 है, ये होल पावर में 46 है, मीन्स 1 में भी 46 है, आई में भी 46 है, तो 1 के पावर में कुछ भी होगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है, हमेशा 1 ही आएगा। अब इसका होल पावर में क्या दे दिया है, स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई, तो आई माइनस ये 46 है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होगा आई से, और इसका स्क्वायर चल रहा है आई माइनस आई डिवाइडेड बाय आई टू द पावर क्या हो जाएगा 47, और उसका स्क्वायर है आई माइनस आई डिवाइडेड बाय 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर में 4, उसके पावर पे 11 हो गया, 11 4 44, तो क्या बचेगा आई क्यूब, और इसका स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई माइनस आई डिवाइडेड बाय आई के पावर में 4, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, तो ये माइनस आई आई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ गया आई, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था कि ये 2i है, तो इसे और थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि i प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर में मैं इसे ब्रेक करना होगा, तो क्या लिखूँगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2y, जो हमें प्रूफ करना था। लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i के पावर में 4, उसके पावर में 4 4 4 16, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 25, डिनोमिनेटर में i आ चुका है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, i से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, इसके पावर में 3 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 आई स्क्वायर का माइनस 1 प्लस, इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई टू दी पावर 26, 26 को हम लोग क्या लिखेंगे, आई के पावर में 4 इंटू 6 इंटू 2, 4 6 24 एंड 2 कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर क्यूब चल रहा है, माइनस 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू 1 आई स्क्वायर का माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1 उसका क्यूब है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई, और इसका क्या है क्यूब दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमें पता है माइनस कॉमन लेने से जो माइनस में होता है वो प्लस में आ जाता है, यहाँ दोनों माइनस में है दोनों प्लस में आ जाएगा, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये भी क्या में है टोटल क्यूब में है, अगर नंबर ऑफ माइनस जो है वो ऑड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव में ही आता है, इस वजह से इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस आई का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला से, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा दूंगा और यहाँ पर माइनस पहले से ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा b प्लस 3 ab स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा 1, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आई, माइनस आई लिख देना है, प्लस 3i, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे क्या हो जाएगा माइनस 3, इसको सॉल्व कीजिएगा फिर 3i में से 1i माइनस होगा तो क्या बचेगा 2i, माइनस 3 में से प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा फिर ये माइनस 2, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, लाना क्या है सिर्फ 2 है ना यहाँ पर, इसे क्या कीजिए यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे आई माइनस 1, लाना क्या था हम लोगों को 1 माइनस आई ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे माइनस, यहाँ से अगेन माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में आ जाता है, तो माइनस 1 अब क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस आई क्या हो जाएगा माइनस आई, जो हमें प्रूफ करना था। फ्रेंड्स हम लोग और आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पावर में n होगा 1 माइनस आई के पावर में n, यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1 बाई आई, आई डिनोमिनेटर में तो हमें क्या करना होगा आई से मल्टीप्लाई डिवाइड देना होगा इसे,
इक्वल टू 2 टू द पावर n, 1 माइनस आई के पावर में n, 1 माइनस आई, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, तो ये माइनस माइनस यहीं पर क्या हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पर पावर में क्या है n है, इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो फ्रेंड्स हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे इफ़ a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं पहले a इंटू b और उसके होल पावर में m को डाल देते हैं। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान से देखिए ये a है और ये क्या है b है, और बट दोनों के पावर में क्या है सेम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एम एम दिया हुआ था। हम लोग क्या करेंगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई में हम लोग क्या देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके पावर में n इक्वल टू 2 टू द पावर n है 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन होता है, यानी से हम क्या लिखेंगे प्लस आई, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन तो यहाँ हो जाएगा प्लस वन उसके पावर में n 2 टू द पावर n, 1 प्लस n क्या हो जाएगा 2 उसके पावर में n इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पर हो गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। नेक्स्ट है रूट अंडर माइनस 16, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या रूट अंडर माइनस 16 को रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 16, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है मल्टीप्लाई होकर रूट अंडर 6 होता है, रूट वाले को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर क्या लिखना होगा 3 रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट ओवर 36 माइनस रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर ओनली 625। इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है 0 लाना है, तो देखिए कैसे लाते हैं हम लोग, इसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है आई, और रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या होगा 4, यानी से हम क्या लिखेंगे 4i प्लस इसका वैल्यू होगा आई, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, यानी 5i 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 3 15i प्लस इसका वैल्यू होगा 6 ये होगा आई, तो क्या हो जाएगा ये 6i माइनस 625 किसका स्क्वायर में आता है 25 का, और वहाँ पर क्या है रूट अंडर माइनस 1 आई, तो कितना आ जाएगा ये माइनस 25i। इसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग 15 4 9 19 और 6 कितना आ जाएगा 25i माइनस 25i, दोनों आसान हो गया आंसर क्या आ जाएगा 0 आ गया। नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आंसर 1 लाना है, सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे प्लस फ्रेंड्स आई स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होता है माइनस 1, आई टू द पावर 4 इसका वैल्यू क्या होगा प्लस 1, आई टू द पावर 6 है यानी आई के पावर में 4, रिमाइंडर बच गया 2 यानी आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा माइनस 1। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक बार प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आता जा रहा है, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास आई के पावर में 4 उसके पावर में 5 आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 लास्ट में सारा क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ 1 बचेगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसे सॉल्व करके क्या लाना है हमें 2i लाना है, i टू द पावर 53 इसको हम क्या लिखेंगे i के पावर में 4, 4 1 4 4 3 12 13 4 52 इंटू आई प्लस i टू द पावर 4 72 लाना है, तो 4 1 4 3 उसमें चला गया तो 18 प्लस i टू द पावर 4, हमेशा i के पावर में कुछ भी हो 4 से अबव होता है तो उसे 4 से डिवाइड किया जाता है, i टू द पावर 4 उसके पावर में 2 लिख देंगे पहले 4 2 8 1 उस पर चला गया 4 3 12 इंटू आई प्लस आई के पावर में 4 25 4 100 इंटू आई स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू आई क्या लिखेंगे आई प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू 1 इंटू आई आई प्लस इसका वैल्यू 1 इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1। चलिए सॉल्व कर देते हैं प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, तो क्या बचा आई प्लस आई 2i जो हमें प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि हमें इसे सॉल्व करके क्या लाना है माइनस 1 प्लस आई लाना है, तो चलिए इसे कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू 13 टर्म तक जाना है, यहाँ पे i टू द पावर n और यहाँ पे क्या दिया हुआ है i टू द पावर n प्लस 1 दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं i टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा वही था i टू द पावर n, तो वहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा सिंपल सा i,
क्यों आई बचेगा? क्योंकि आई के पावर पे कुछ नहीं है तो वन है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आई के पावर में एन, आई के पावर में वन है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, यानी आई टू दी पावर क्या होगा? एन प्लस वन। वापस ये क्वेश्चन आ गया, यानी ये सही है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, जहाँ पे एन होगा हम लोग को क्या करना है, उसी का सम निकालना है। ये तो बाहर हो जाएगा समेसन से, इसे हम बाहर निकाल देंगे, वन प्लस आई, और क्या बचेगा? समेसन ऑफ एन इक्वल टू वन अप टू 13 टर्म आई टू दी पावर एन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वन प्लस आई, आई के पावर में एन है तो पहले कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? वन से, वन, ये समेसन का साइन है यानी प्लस करना है, किसे? आई टू दी पावर टू, आई टू दी पावर थ्री, अप टू कहाँ तक जाना है हमें? 13 तक, यानी आई टू दी पावर 13। फ्रेंड्स देखिए ये जीपी बन चुका है, आप क्लास 10 तक सिर्फ एपी पढ़े होंगे, ये जीपी का है। और जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी जो है उसका फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ए यानी फर्स्ट टर्म, आर यानी क्या होता है इसका कॉमन रेशियो। जैसे हम लोग डी निकालते थे ए टू माइनस ए वन, यहाँ पर कॉमन रेशियो जो होता है उसको हम लोग क्या करवाते हैं? डिवाइड करवा देते हैं ए टू बाई ए वन। तो चलिए इसे बनाते हैं, वन प्लस आई। तो देखिए यहाँ पर ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? आई है, फिर क्या? ब्रैकेट वन माइनस आर यानी कि ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, तो आई स्क्वायर बाई आई क्या हो जाएगा? आई ही आने वाला है, यानी मेरा आर क्या दिया हुआ है? आई। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं, आर के जगह पे हो जाएगा आई और उसके पावर पे एन। एन कहाँ तक गया हुआ है? 13 तक, 13 डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, तो वन माइनस आई हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, वन प्लस आई, ये क्या हो जाएगा? आई वन माइनस आई टू दी पावर 13 है ना, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ आई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा आई डिवाइडेड बाई वन माइनस आई, तो वन माइनस आई क्या हो जाएगा? भसान हो जाएगा, ये सिर्फ आई बच गया है, आई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आई इंटू वन क्या हो जाएगा? आई प्लस आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया प्रूफ। सो फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं जानता हूँ कि वीडियो के लाइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।